अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो ये भी कुछ ईद के ड्रेसेस थे, इवन का ये भी दिखा दूँ। ये भी मेरे घर के ही हैं, किसी और के हैं, मेरे नहीं हैं, यानी कि हैं घर के बच्चों के। तो देखें, ये वाइट कलर का रॉ सिल्क पे सूट था, ये वह सिल्क थी। और ये इसके साथ हमने नेट का दुपट्टा लिया था, ये इस पर फुल कढ़ाई हुई हुई थी। और ये टसल लगा लिए थे हमने दुपट्टे के चारों कोनों पर, ठीक है। और शर्ट पे हमने फ्रॉक बनवाया था इसका, और फ्रॉक पे हमने नीचे बारी बारीक कलर बारीक सी लेस दी। और ये देखिए, बिल्कुल बारीक सी समोसा लेस दे दी। और गले पे भी हमने इसी तरह बारीक सी डबल लाइन में लेस दी थी, और स्लीव्स पे भी इसी तरह लेसें लगाई हुई थी। तो ये देखिए, वाइट कलर का खूबसूरत सा ड्रेस है, ये देखिए। और इसके बाद है कि प्रिंटेड सूट है, ये सिंपल सादा सा था, ये 3 पीस सूट था। इस तरह बटन लगा दिया, इस तरह इसका सिंपल सा डिज़ाइन बना दिया था। और ये इसकी स्लीव्स थी सादी सी। और ये देखें, शर्ट की साइड पे भी इस तरह से, यानी कि दामन की तरफ इस तरह से डिज़ाइन दे दिया था। सिंपल सादा सा लिनन का सूट था ये, लॉन का सूट था ये। और ये देखें, 3 पीस था ये। इसका दुपट्टा मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ये इसका दुपट्टा है। इस पर भी हमने चारों तरफ लेस लगवाई, और इसके साथ हमने तंग पाइचे वाली शलवार सिलवाई थी। उसके बाद थर्ड वन आता है, थर्ड वन है ये ऑरेंज कलर का फंकी सा सूट है। और ये देखें, इसका इस तरह से बैंड कॉलर बना के गला बनाया, साइड पे इसकी पॉकेट भी दी थी। और इसके हमने गोल दामन बना के और स्लीव्स पे इस तरह से बारीक सी ये ऑरेंज कलर की लेस लगा ली। तो उम्मीद है आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, और अल्लाह हाफिज़।